वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई जारी है। प्रश्नकाल में उठा जांजगीर चांपा में हैंडपंप खनन का मुद्दा। कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने उठाया मुद्दा, पिछले दो सालों में कितने हैंडपंप का खनन किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसकी जानकारी दी। जांजगीर चांपा में बीते दो सालों में 408 हैंडपंप खनन किया गया। खनिज हैंडपंपों में सभी 501 हैंडपंप चालू है। 158 हैंडपंप पर नलकूप लगाए गए हैं। 76 गांवों में हैंडपंप खराब होने की शिकायतें मिली थी, उसका भी निराकरण किया गया है। बालेश्वर साहू ने पूछा, क्या टोल फ्री नंबर के माध्यम से खराब हैंडपंप सुधार की शिकायत लेंगे? उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब दिया, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने विभाग गंभीर। विभाग ने पहले ही खराब हैंडपंप की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। कर्ज को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा, हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में 50,000 करोड़ का कर्ज लिया। हमारे शासनकाल में कोरोना काल भी आया। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा जुड़ गए। हेमंत का रुख करेंगे। हेमंत, अभी तक विधानसभा में क्या कुछ हुआ? हाँ, देखिए विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन है और प्रश्नकाल काफ़ी हंगामेदार रहा। सबसे पहले जो जयपुर के विधायक हैं बालेश्वर साहू, उन्होंने हैंडपंप खराब होने का मसला उठाया और जानकारी चाही पीडब्ल्यूडी मंत्री से कि कितने हैंडपंप पूरे प्रदेश में खराब हैं और जानकारी उसको लेकर आई। इसके साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान कई और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की कोशिश यहाँ पर हुई। राजस्व प्रकरणों को लेकर मामला यहाँ पर उठाया गया। इसके बाद जिस तरीके से जंगल सफारी और नंदन वन में वन्य जीवों की मौत हो रही है, उसका भी मामला उठाया और विधायक विशेष राज हरबंस ने यह मामला उठाया और कहा कि किस तरीके से उपाय वन्य जीवों के रख रखाव के लिए, उनकी मौत को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, तो इस पर जवाब आया। लेकिन एक सवाल पूछा गया विधायक के द्वारा कि जो जंगल सफारी है उसमें कितने डॉक्टर कंपाउंडर नियुक्त हैं, उसको लेकर जानकारी वन मंत्री के द्वारा दी गई। लेकिन कंपाउंडर राकेश वर्मा को लेकर ये कहा गया विधायक की ओर से, तो ये निलंबित व्यक्ति को वहाँ पर पदस्थ किया गया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने भी टिप्पणी की और निर्देश दिया आसंदी से वन मंत्री को कि अच्छे डॉक्टर वहाँ पर भेजा जाए। ये मसला प्रश्नकाल के दौरान उठा। लेकिन ध्यानाकर्षण में जो सबसे चर्चित मामला अभी चल रहा है, शताब्दी नगर में जो सामुदायिक भवन कब्जे का मामला है, पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं शकुन डहरिया पर कि सामुदायिक भवन पर उन्होंने कब्जा किया और वहां पर आलीशान कमरा बनवाया गया था, आलीशान चीजें रखी गई थी। तो मामला ध्यानाकर्षण के जरिए बीजेपी के विधायक राजेश मृत ने उठाया। काफी हंगामा इस पर हुआ, तीखी बहस पक्ष विपक्ष के बीच देखी गई और जांच की मांग पर जो पूर्व मंत्री हैं राजेश मृत वो अड़े रहे और आखिरकार सदन में नगरीय निकाय मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव के द्वारा घोषणा की जाएगी कि 3 महीने के अंदर उच्च स्तरीय जांच इसमें की जाएगी और जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल हेमंत, विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने मनरेगा के काम बंद होने का भी मामला उठाया। देखिए इसको लेकर स्थगन लाया गया था और मनरेगा में जिस तरीके से काम बंद हो गया है उसको लेकर यहाँ पर मसला उठाया गया। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि मनरेगा में काम नहीं चलने के कारण लोग पलायन कर रहे हैं। इस मसले को लेकर सभी विधायकों ने अपनी बात रखी। सरकार का वक्तव्य इसमें आया पंचायत मंत्री विजय शर्मा का वक्तव्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के स्थगन को अग्राह्य कर दिया। अग्राह्य किए जाने के बाद नारेबाजी करते हुए विपक्ष के तमाम विधायकों ने सदन से बहिर्गमन भी कर दिया। जी कुल मिलाकर हंगामेदार रहा आज का दिन। हेमंत जी जरूर, प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के दौरान ये सभी चीजें सामने आई। प्रश्नकाल में जिस तरीके से मसला जंगल सफारी का उठा और फिर राजस्व प्रकरण का मामला यहाँ पर उठाते हुए विधायक नजर आए और उसके बाद ध्यानाकर्षण में भी काफी तीखी बहस पक्ष विपक्ष के सदस्यों के बीच देखने को मिली है। चलिए हेमंत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। खबर पर नजर बनाए रखिएगा।